दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा जॉन गाल्सवर्थी, जो कि एक इंग्लिश नोवलिस्ट और प्लेराइट थे। 1932 में इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। ये ऑथर इनके वर्क्स दोनों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि इनके वर्क्स पर वीडियो बनाओ। इनका एक फर्स्ट प्ले है द सिल्वर बॉक्स। दोस्तों आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहा था कि द सिल्वर बॉक्स पे आपको एक वीडियो बनानी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो इसी प्ले पर है। ये 3 एक्ट की एक कॉमेडी है जिसे 1906 में लंदन में दिखाया गया और 1907 में न्यूयॉर्क में दिखाया गया, पब्लिश करवाया गया था 1906 में। और ये इस प्ले के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमको प्ले पढ़ते हुए समझ में आ ही जाएंगे। दोस्तों अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो दोस्तों इस प्ले की शुरुआत होती है लंदन से, मिस्टर बार्थविक के घर से, जो कि एक लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब लिबरल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं तो गरीबों के हक की बात करते हैं, गरीबों से बड़ी सिंपैथी है, सहानुभूति है इनको। दोस्तों मिस्टर बार्थविक का एक लड़का है जिसका नाम है जैक बार्थविक, जो रात को शराब पीकर देरी से घर लौटता है। हाथ में इसके एक लड़की का हैंडबैग है, पता नहीं किसी लड़की का इसके हाथ में हैंडबैग है। अब दोस्तों इन बार्थविक्स के घर में एक मेड काम करती है जिसका नाम है मिसेस जोन्स। इसी मेड मिसेस जोन्स का एक शराबी हस्बैंड है जिसका नाम है मिस्टर जोन्स। वो इस जैक की मदद करता है इस घर का दरवाज़ा खोलने में। तो जैक इसको बदले में पीने के लिए शराब देता है और अंदर जा कर के ये जैक सोफा पर गिर जाता है और वहीं सो जाता है। अब रात का टाइम तो वैसे ही था, तो इस हैंडबैग में से दोस्तों एक पर्स गिरा जिसको मिस्टर जोन्स ने देख लिया, और एक सिल्वर सिगरेट का बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स जिस पर हमारी कहानी बनी है, वो इस जैक के पास से गिरा और मिस्टर जोन्स को ये दोनों मिल गए, पर्स और सिल्वर बॉक्स। मिस्टर जोन्स ने इन दोनों को उठाया और अपने पास रख लिया और यहीं से ये इस कहानी का सारा खेल शुरू हुआ दोस्तों। अब दोस्तों अगले दिन नवाब साहब जैक अभी भी सोफे पर सो रहे हैं, लगता है रात का नशा उतरा नहीं इनका। अब मिसेस जोन्स, जो कि मैंने आपको बताया इस घर की मेड सर्वेंट है, वो कमरा साफ कर रही थी। इनके अलावा इस घर में और भी नौकर हैं, और भी सर्वेंट्स हैं, व्हीलर, मार्लो और बटलर वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे सर्वेंट्स मिसेस जोन्स के हस्बैंड मिस्टर जोन्स की बातें कर रहे थे कि वो शराब पी करके किस तरह से वायलेंट हो जाता है। अब दोस्तों ये इस घर का जो नौकर है मार्लो, ये नोटिस करता है कि सिल्वर बॉक्स जो है वो मिसिंग है, कहीं चोरी तो नहीं हो गया। सबसे पहले तो ये आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सिल्वर बॉक्स आखिर है किसका। ये सिल्वर बॉक्स दोस्तों मिस्टर बार्थविक का है, सिगरेट बॉक्स है मिस्टर बार्थविक का। तो ये मिसिंग पाता है ये मार्लो, ये घर का नौकर, तो ये सोचता है कि ये सिल्वर बॉक्स गया कहाँ, आखिर चोरी तो नहीं हो गया। अब अगला सीन ये है कि मिस्टर बार्थविक और इनकी वाइफ दोनों बैठ करके ब्रेकफास्ट कर रहे थे, आपस में पॉलिटिक्स की बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर इनके पास एक अननोन लड़की आती है। दोस्तों ये वही लड़की है जिसके साथ इनका बेटा कल रात को था और जिसका हैंडबैग जैक के हाथ में था कल रात को। इनका बेटा जैक जो है उसके हाथ में इसी लड़की का हैंडबैग था। ये लड़की अपना पर्स मांगने वापस आई है इन लोगों के पास में, क्योंकि इस लड़की को अपने घर का पता नहीं किसी चीज़ का रेंट चुकाना है। अब जैक को तो उस हैंडबैग में कोई भी पर्स नहीं मिला, तो ये अपने पापा को मना कर देता है, अपने फादर को मना कर देता है कि पापा मैं तो नहीं जानता कि ये किस पर्स की बात कर रही है। अब मिस्टर बार्थविक देना तो नहीं चाहते, लेकिन थोड़े पैसे वो उस लड़की को दे देते हैं ताकि वो वहाँ से चली जाए। अब वो लड़की जब वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर बार्थविक अपने बेटे जैक पर बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत बुरी तरीके से उसको सुनाते हैं कि नालायक तो किसी लायक नहीं है। अब दोस्तों इस घर का नौकर मार्लो मिस्टर बार्थविक के पास आता है और इनको इन्फॉर्म करता है कि इनका सिगरेट बॉक्स जो है वो मिसिंग है। इस मार्लो को शक है मिसेस जोन्स पर कि मिसेस जोन्स ने वो सिल्वर बॉक्स चुराया है। मिस्टर बार्थविक कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो मिस्टर बार्थविक मिसेस जोन्स को बुलाते हैं, नीचे बुलाते हैं अपने पास में और उनसे पूछताछ करते हैं। अब मिस्टर बार्थविक को ये भी पता चलता है कि मिसेस जोन्स की फैमिली कंडीशन कितनी ख़राब है। अरे भाई फैमिली कंडीशन ख़राब है तो इसका मतलब ये थोड़ी है हम लोग चोरियाँ करेंगे। तो मिसेस जोन्स तो मना कर देती है कि मालिक मेरे को आपके सिल्वर सिगरेट बॉक्स के बारे में कुछ नहीं पता। अब ठीक है, आई होप यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब दोस्तों मिस्टर जोन्स अपनी वाइफ मिसेस जोन्स को अपने घर पर बताता है, जो हस्बैंड है मिसेस जोन्स का, मिस्टर जोन्स जिसने जैक को मदद की थी रात को,
तो ये अपनी वाइफ को बताता है कि वो जब काम मांगने गया तो उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया गया एक जगह पर। तो मिसेस जॉन्स अपने हस्बैंड से बोलती है कि आज तो उन्हें अपने घर का किराया देना है, तो वो पैसे लाएंगे कहाँ से। तभी वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स की लैंड लेडी आ जाती है अपने घर का किराया मांगने। तब जॉन्स अपनी वाइफ को कुछ पैसे देता है पे करने के लिए, सॉवरेन देता है। मिसेस जॉन्स को ये देख करके झटका लगता है कि वो मिसिंग पर्स जिसकी बात हो रही थी आज उनके मालिक के घर में, वो मिसिंग पर्स और सिल्वर सिगरेट बॉक्स उसी के हस्बैंड के पास है। तब दोस्तों ये मिस्टर जॉन्स अपनी वाइफ मिसेस जॉन्स से बोलता है कि मैं चोर नहीं हूँ, तुम्हारे मालिक का बेटा चोर है, उसके पास से ये पर्स गिरा जो मैंने उठा लिया, ऐसा ऐसा ये अपनी वाइफ को बोलता है। अब ये हस्बैंड वाइफ जब ये दोनों आपस में ये सब बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव आता है, एक जासूस एंटर होता है। सिगरेट सिल्वर बॉक्स को वो जासूस देखता है जो वो ढूंढ रहा था। स्नो नाम है इस डिटेक्टिव का, इस जासूस का। तो दोस्तों ये डिटेक्टिव स्नो सोचता है कि मिसेस जॉन्स ने ये बॉक्स चोरी किया है, तो ये मिसेस जॉन्स को अरेस्ट कर लेता है। तभी मिस्टर जॉन्स उस जासूस स्नो पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और इस मिस्टर जॉन्स को अरेस्ट कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, इसको धर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट सीन है, शाम का टाइम है। बार्थविक फैमिली और उनका बेटा जैक डाइनिंग रूम में बैठ करके कुछ खा रहे हैं। डिटेक्टिव स्नो इनके पास में आता है और इनको रिपोर्ट देता है मिस्टर बार्थविक को कि आपका सिल्वर बॉक्स मिल चुका है। वो सिल्वर बॉक्स आपकी सर्वेंट मिसेस जॉन्स के हस्बैंड मिस्टर जॉन्स के पास था। वो कह रहा है कि उसके पास ये सिल्वर बॉक्स तब आया जब आपका बेटा नशे की हालत में घर लौटा और उसने उसको गेट खोलने में मदद की। तो मिस्टर बार्थविक बहुत ही निराशा भरी नज़रों से अपने बेटे की तरफ देखते हैं कि उसके उनके बेटे की हरकतें कैसी है। वो बहुत उदास हैं अपने बिगड़ेल बेटे को देखकर। अब दोस्तों इस डिटेक्टिव स्नो के कहने पर मिस्टर जॉन्स पर मुकदमा चलाया जाता है। अब दोस्तों मिस्टर बार्थविक के लॉयर का नाम है रोपर। ये रोपर सोचता है कि ये पुलिस कोर्ट में कैसे केस को प्रेजेंट करे। दोस्तों जैक की माँ मिसेस बार्थविक को लगता है कि उनका बेटा एकदम शरीफ है, दूध का धुला हुआ है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। ये जैक तो कोर्ट में ही नहीं आना चाहता, जबकि मिस्टर बार्थविक नहीं चाहते कि ये सब डिटेल्स पेपर्स में आए। अब दोस्तों इस प्ले का एंड आ चुका है। सीन है पुलिस कोर्ट का। मिसेस जॉन्स कहती है कि वो तो ये चीज़ देख करके एकदम शॉक हो गई कि उन्हीं के हस्बैंड के पास वो सिल्वर बॉक्स था। जबकि जॉन्स बोलता है कि उसने मिस्टर बार्थविक के बेटे जैक की मदद की थी दरवाज़ा खोलने में, तब जैक ने ही उसे कहा था कि तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, तो मैंने ये सिल्वर बॉक्स ले लिया। तो जैक से लॉयर पूछता है, बेटा जैक क्या ये सही है? तो जैक तो साफ मना कर देता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो नशे में था। फिर मिस्टर जॉन्स बोलता है कि मैं भी नशे में था, मेरा भी कोई दोष नहीं है, मैं भी निर्दोष हूं। अब दोस्तों कोर्ट में फैसला कुछ ऐसे होता है कि मिसेस जॉन्स को तो डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि मिस्टर जॉन्स को गिल्टी मानते हुए 1 महीने की सजा सुनाई जाती है। सिल्वर पहला तो उन्होंने सिल्वर बॉक्स चोरी किया था, इसने सिल्वर बॉक्स चोरी किया था, दूसरा इसने पुलिस पर हमला किया। अब इस जॉन्स को ले जाते हैं पकड़ के, लेकिन जाते जाते ये जैक पर चिल्लाता है, ये जॉन्स जैक पर चिल्लाता है कि जितनी गलती मेरी थी उतनी ही इस लड़के की भी थी, क्योंकि शराब के नशे में तो ये भी था, इसने भी पर्स चुराया था, लेकिन ये बच गया क्योंकि ये एक अमीर बाप की औलाद है।